jack it up. तो यहाँ पर देखें, आपको वॉशिंग मशीन की एक मोटर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन के जो कनेक्शन करने हैं ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोटर को अपने सामने रखते हैं और मोटर के और कैपेसिटर के हम कनेक्शन मुकम्मल करते हैं। देखें, वॉशिंग मशीन की मोटर में से हमेशा तीन तारें निकलेंगी। ये एक तार जो होगी वो कॉमन करके ब्लैक कलर में या किसी भी कलर में इसको बाहर निकाला जाएगा, और दो तारे जो होंगी वो स्टार्टिंग और रनिंग की अलग अलग बाहर निकलेंगी। यहाँ पर एक जो कॉमन तार हमने की है ये भी स्टार्टिंग और रनिंग की जो तार है उन दोनों तारों को हमने आपस में मिलाकर ये बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग की एक तार है उसे भी बाहर निकाला है और रनिंग की भी एक तार को हमने बाहर निकाल लिया है। इसमें स्टार्टिंग और रनिंग का तसव्वुर नहीं होता क्योंकि इसमें जो तार इस्तेमाल की जाती है वो एक ही नंबर की होती है। इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए स्टार्टिंग और रनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन तार है जो इन दोनों वाइंडिंग की तार को आप लूप को आपस में मिलाकर हमने बाहर निकाली है, ये किसी एक कलर की होगी, और जो स्टार्टिंग और रनिंग की तार अलग अलग निकाली जाएगी वो दोनों, वो नीले कलर में भी हो सकती हैं, ग्रीन में भी हो सकती हैं, येलो भी हो सकती हैं, किसी भी कलर में वो तारें जो होंगी वो हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमने जो आपकी स्टार्टिंग तार है और यहाँ पर जो रनिंग की तार है तो हमने कैपेसिटर जो है इन दोनों तारों के ऊपर लगाना है। यहाँ पर देखिए आप, कैपेसिटर जो है वो हमने 10 UF का यहाँ पर माइक्रोफैरड का लगा दिया है। अब ये हमारी मोटर के जो कनेक्शन है वो हमारे सामने मुकम्मल है। यहाँ पर अगर हम इसको न्यूट्रल फेस तार जो है बाहर से यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम फेस तार को यहाँ पर हम सेलेक्ट करें लगाएं तो आप देखेंगे कि ये मोटर जो होगी ये क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसी तार को यहाँ से उठाकर इस जगह पर मुंसलिक कर दें तो ये जो हमारी मोटर होगी एंटी क्लॉक होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप अगर स्टार्टिंग पर या इसकी रनिंग पे यानी रिवर्स और फॉरवर्ड किसी एक पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर के किसी पॉइंट के ऊपर फेज को जब आप अप्लाई करते हैं लगाते हैं तो हमारी मोटर जो है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक जो होगी ये घूमना शुरू हो जाएगी। अगर तो हमने टाइमर नहीं लगाना फिर तो ये हमारे लिए बहुत सादा से कनेक्शन है। किसी भी एक जगह पर आपने कैपेसिटर में से तार बाहर निकालनी है, यहाँ से न्यूट्रल जो है ये तो कॉमन होकर वैसे ही बाहर आ रही है, तो हमने जब इन दोनों को सप्लाई देंगे तो हमारी मोटर जो होगी वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जो होगी वो घूमना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोटर के कनेक्शन नहीं है बल्कि हमने यहाँ पर टाइमर के कनेक्शन भी करने हैं, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर सिलेक्टर स्विच को भी यहाँ पर रखना है और टाइमर के साथ उसको हमने मुंसलिक करना है, और यहाँ पर हमने दो इंडिकेटर भी लगाने हैं ताकि जब वॉशिंग मशीन के अंदर बिजली की सप्लाई पहुँचे तो वो निशानदेही करें कि इसके अंदर बिजली जो है वो आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो टाइमर की तारें और इसकी जो आपस में पॉइंट है आपस में ये वाज़ तौर पर यहाँ नज़र आ रहे हैं। 6 तारें हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ऑरेंज, रेड और येलो। ये 3 तारें जो हैं इनकी जो पतलियाँ और पॉइंट जो हैं ये भी हमें इसके अंदर वाज़ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर जो काली तार है ब्लैक कलर की वायर इसको हम 220 सप्लाई देंगे तो नाप को घुमाने पर टाइमर की जो नाप को हम घुमाएंगे तो ये अंदर से देखें ये जो सेंटर वाली पतरी है ये जाके ग्रे पतरी के साथ ये ग्रे वाली जो वायर है इसकी जो पतरी है इसके साथ जाके ये मिल जाएगी। ये नीली जो तार है ये जाएगी हमारे बेल की तरफ, और ग्रे तार के साथ जब हम
इस ब्लैक तार को मिलाएंगे तो ब्लैक तार के अंदर जो करंट आ रहा है वो इस ग्रे तार के अंदर आएगा। ग्रे तार जो है ये हमारी सिलेक्टर स्विच के साथ इसके कनेक्शन जो है हमने सिलेक्टर स्विच के अंदर किए हुए हैं। सिलेक्टर स्विच जो है वहाँ पर हमारी ये रेड तार जो है इसे भी हमने वहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। सिलेक्टर स्विच के जब नाप को हम घुमाएंगे तो टू वे वाले कनेक्शन पर जब इसको हम सेट करेंगे तो हमारी सप्लाई जो होगी वो इस सुर्ख तार के अंदर मुंतकिल हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें सुर्ख तार जो है ये सेंटर वाला पॉइंट इसका है, ये कुछ टाइम के लिए ये नीचे वाली पतरी के साथ अब आपको मिली हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि करंट जो है ये येलो तार के ज़रिए कैपेसिटर पर मुंतकिल हो रहा है। कुछ वक्फे के बाद इसका रबता जो होगा ये नीचे वाले पॉइंट के साथ टूट जाएगा। अब यही वाली सेंटर वाली जो पतरी है इसका जो पॉइंट है ये ऊपर वाली जो ऑरेंज तार है इसके साथ मिल जाएगा। तो और अब ये ऑरेंज वाली तार जो है ये कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर तो करंट को मुंतकिल करेगी, पहुँचाएगी। अब जिस सिरे के ऊपर ये तार लगी होगी कैपेसिटर के, वॉशिंग मशीन की जो मोटर होगी उसी तरफ को घूमेगी। अगर ये येलो के ऊपर सप्लाई जाएगी तो क्लॉकवाइज, अगर ये ऑरेंज के साथ मुंसलिक कैपेसिटर होगा तो वो एंटी क्लॉक घूमना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखें अब हमारे जो लाइट्स हैं और जो बेल है इसके कनेक्शन बाकी रह गए थे। यहाँ से जो न्यूट्रल तार है वो हमने अपनी पावर लाइट, जो सुर्ख रंग की लाइट है और जो सब्ज़ रंग की लाइट है, दोनों के पॉइंट पर हमने न्यूट्रल तार को पहुँचाया और साथ ही हमने इसकी जो बेल है इसके पॉइंट पर भी जो न्यूट्रल तार है इसके कनेक्शन कर दिए। पीछे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ब्लू तार है ये सीधी जाएगी बेल के अंदर, बेल के साथ इसका जो खाली पॉइंट है वहाँ पर हमने इसके कनेक्शन किए, और साथ में इसके जो सब्ज़ रंग का इंडिकेटर ये हमारा लगा हुआ है इसके साथ भी हमने इसको मुंसलिक किया। अब जैसे ही इसके अंदर सप्लाई आएगी तो ये सुर्ख जो लाइट है ये इस बात की निशानदेही करेगी कि हमारी वॉशिंग मशीन जो है इसके अंदर सप्लाई आना शुरू हो गई है, और जैसे ही ये अपना टाइम मुकम्मल कर लेगी तो ये बेल बजना शुरू हो जाएगी और ये सब्ज़ लाइट जो होगी ये रोशन होगी। अगर हमें अपनी वॉशिंग मशीन को किसी एक सिमत में सिर्फ घुमाना है वन वे, तो फिर यहाँ पर देखें कि हमने सिलेक्टर स्विच को जब इसकी नाप को इस पॉइंट के साथ सेट करेंगे तो ये अब ग्रे तार जो है ये येलो के साथ मिलेगी, और यहाँ पर देखें ये येलो तार जो है कैपेसिटर के किसी एक साइड के साथ इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो वॉशिंग मशीन की ये जो मोटर होगी किसी भी एक तरफ को या तो ये क्लॉकवाइज घूम रही होगी या फिर एंटी क्लॉक, आप यहां पर इसको कैपेसिटर के किसी भी एक सिरे के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मोटर को दोनों तरफ में घुमाना है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, तो फिर ये देखें आपने यहां से ग्रे तार को इसकी नाप को सेक्टर स्विच की को टू वे के ऊपर हमने सेट करना है। यहां से ये करंट जो होगा ये रेड तार के ज़रिए टाइमर के अंदर, अब टाइमर की जो पतरियाँ हैं आपस में या पॉइंट जो हैं ये येलो के साथ और जो हमारी यहाँ पर और वायर है इनके साथ बारी बारी वक्फे के साथ मिलेंगी, और जो तार पेस्टर है के साथ ये दोनों मुंसलिक हैं। जिस पॉइंट के ऊपर भी करंट आएगा मोटर जो होगी ये उसी तरफ को घूमेगी। अगर ये येलो पर क्लॉकवाइज घूम रही है तो जब ये ऑरेंज के साथ रेड जो पतली होगी ये मिलेगी तो ये एंटी क्लॉक घूमना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जल्द हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।